विज्ञान भवन में छठे दौर की बातचीत हो चुकी है। दो मुद्दे पर सहमति की बात सामने आ रही, पराली और बिजली। लेकिन एमएसपी और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जिस पर आंदोलन चल रहा है उस पर कोई बात नहीं हुई है। 4 जनवरी को अगली डेट है। राकेश टिकर साहब, सरकार फिर से फंसा रही है आप लोगों को? नहीं फंसा कर रही है, हम क्या कोई ऐसे हैं कि चूहे हम जाल में फंस जाएंगे किसी के, हमें कैसे फंसा लेगी सरकार। तो आपका जो मुद्दा है वो पराली, बिजली, एमएसपी या एसेंशियल, कौन बड़ा मुद्दा है आप लोग के लिए? जोन सा ले लो, पहले सरकार से बोलो, अगले पे बात रखो। क्या आज पराली वाला मामला हो गया, बिजली वाला मामला हो गया, लेकिन मेन है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और एमएसपी, उस पर क्या आश्वासन मिला है? 4 तारीख में बात होगी उस पर। तो क्या क्या लगा आपको जो सरकार के हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से क्या लग रहा था? लग जाएगी, करेंगे उसे, थोड़ा सा लेट करेंगे, पहले एमएसपी पर करेंगे, फिर उसके आगे वो करेंगे तो होगा। सरकार ने शायद कहा है कि 17,000 करोड़ का हम पर बर्डन, 1,00,000 करोड़ का है, 1,000 करोड़ का बर्डन आ जाएगा अगर हम एमएसपी इंप्लीमेंट करते हैं। इस तरह कोई बात वहाँ पर नहीं। क्या बातचीत हुई एग्जैक्टली बताइए तो फिर। नहीं नहीं, उस इस तरह की कोई बात नहीं हुई अभी तो, उस पर ज्यादा चर्चा हुई नहीं। तो हमने जिन पर चर्चा हुई, जो काम हो सकते थे पहले वो करे और आगे रख दिए, उस पर 4 तारीख में बात होगी। क्या दबाव बना रहेगा आप लोग का, आंदोलन चलता रहेगा 4 जनवरी तक? और क्या, हमको घर लग रहे जाने, ये किसी ने कहे कि हम घर जाल लग रहे तो? हम क्यों वो कह रहे, अप्रैल तक रहने का प्रोग्राम है हमारा यही। क्या लग रहा है सरकार का रवैया बदला है? उसी पहले तो वो कह रहे थे बात नहीं करेंगे, फिर कह रहे थे आप नक्सली हैं, आतंकवादी हैं, अब बात कर रहे हैं। अच्छा, जब किसी से लड़ाई हो तो लड़ाई में कोई लड्डू बांटता है क्या भाई? कोई बांटता हो लड्डू मुझे बता दो, कोई न बांटे हो। आप अपनी जीत मान रहे हैं, किसान आंदोलन की जीत मान रहे हैं जो दो मामले? इसमें किसी की हार और जीत नहीं है, किसी का हार जीत नहीं है इसमें, ना हम किसी को हम हराना जिताना चाहते हैं, ना किसी को हाँ आगे बढ़ेंगे, ना हम किसी को हराना जिताना चाहते। ये तो किसानों का इशू है, क्या किसानों को हरा के सरकार जीतना चाहती है या के किसान जीत के सरकार को हराना चाहता है? ये तो एक बातचीत है, जब देश एक है, एक रेशा है। सर, अगर बिल वापस लेना था, बिल वापस लेना था तो वो एमएसपी और ले लेंगे। अब तो रात होगी, एमएसपी और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट तो मेन है ना सर। हम क्या कहीं चले गए, यही तो है। नया साल मनाओ, 4 तारीख में फिर आ जाएंगे, वर्किंग डे है। हाँ ठीक रही, अच्छी बातचीत रही, सकारात्मक कह रहे थे कि सकारात्मक माहौल तो बने। हाँ तो बन गया, आज 2 बात उन्होंने मान ली, 2 रहेगी, 4 तारीख से फिर शुरू होगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर कहीं कठिनाइयों का दौर है तो सुलझाएंगे भी तो आगे बढ़ करके। हाँ तो बढ़ेंगे, सुलझाएंगे। हाँ, 2 कदम सरकार आगे बढ़ी आप मानते हैं? हाँ 2 कदम बढ़ी, 2 का हम तो 4 कह रहे हैं, 4 बढ़ी हुआ तो आप कब 2 कदम आगे बढ़ेंगे? और हम तो बढ़ रहे, हम दिल्ली कहाँ रहे अभी। कल मीडिया कह रहे की आप एमएसपी और एसेंशियल एक्ट छोड़ दीजिए। कौन सा मीडिया? 2 कदम बढ़ने का मतलब सरकार ने 2 बिल छोड़ दिया, एमएसपी और एसेंशियल एक्ट छोड़ दीजिए। ट्रैक्टर मार्च से होगा, मीडिया को क्या घर से देना? लेकिन अरे मीडिया वाले क्यों हेरा फेरी कर रहे हैं? 2 बिल उन्होंने रद्द कर दिया, 2 बिल आप मान लीजिए। नहीं नहीं क्यों मान ले, हम तो 4 मान लेंगे और 1-2 और मनवाओगे। क्या क्या मनवाएंगे? सकारात्मक पहल और होगी? हाँ होगी, होगी, सरकार करेगी। हाँ क्योंकि जो उम्मीद आप लोग कर रहे थे कि कम से कम सरकार एक सकारात्मक पहल तो करे, वो कम से कम आज कुछ लेकर के आप लोग जा रहे। हाँ लेकर जा रहे, लेकर जा रहे, आज मुस्कान भी नजर। हाँ मुस्कान भी नजर है। और 4 दिसंबर को लगता है मामला पूरा फुल एंड फाइनल होगा? हाँ तो ठीक रहेगा, सरकार ठीक आ रही है, अब लाइन पर काम लग रही है, अब करने अभी तो शुरू करा सरकार ने काम करने। अब विश्वास हुआ आप लोगों को? हाँ कुछ हुआ, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है भाई, आधा कर दिया उन्होंने काम, आधा रहेगा जब पूरा कर देगी। धन्यवाद। अगर सरकार को मानना होता, मुद्दा तो एमएसपी है ना, मुद्दा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, वो दोनों तो वो मान नहीं रहे हैं, आपको तो झुंझुना थमाया जा रहा है। और हम क्या घर चले गए भाई, हम घर थोड़ा जा लिए, 4 दिन में भी आराम कर लेंगे, हम भी आराम कर लेंगे। 35 लोग आपके शहीद हुए हैं किसान, उस पर कोई बात हुई? उन्हें उनको श्रद्धांजलि दी है। अच्छा क्या लगा, सरकार ये सब मर्जी से मान रही है, आपका दबाव है, किसान आंदोलन का दबाव है? नहीं नहीं अपनी मर्जी से ही कर रही, किसान आंदोलन का दबाव होता तो पहले दिन ही मान लेते। दबाव और दबाव बढ़ाएंगे और नस दबाएंगे तो सरकार के लिए बैठे यहाँ पे, यहाँ कोई वैसे ही बैठे हम। तो ये हैं राकेश टिकैत जो साफ कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, 2 बड़े मुद्दे जो है किसानों के, उस पर कोई बातचीत नहीं हुई है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पर बातचीत नहीं हुई है, एमएसपी पर बातचीत नहीं हुई है, मीडिया जो टेलीविजन और अखबार है वो लगातार सरकार के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं कि 2 कदम आप बढ़ रहे हैं तो 2 कदम आप बढ़िए। मतलब जो पराली का सोचिए, कोई पराली जलाने का 1 करोड़ रुपए जुर्माना देगा क्या? कहां से लाएगा किसान 1 करोड़? बिजली बिल कम करने की बात हुई है वो सरकार मान रही है,
लेकिन जो मेन मुद्दा है, जिसके वायर हाउसेस बन रहे हैं, जो बड़े बड़े स्टोरेज बन रहे हैं, जिससे आम आदमी के रोजी रोटी का मुद्दा जुड़ा हुआ है, भंडारण का मुद्दा है, एमएसपी का मुद्दा, उस पर सरकार ने अभी कोई यूटर्न नहीं लिया है। मेन वही मसला फंसा हुआ है। आप जो टीवी और अखबार में जो डिबेट देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के दो कदम को दिखाया जा रहा है। मीडिया वाले कह रहे हैं प्रवक्ता की तरह कि सरकार ने बिजली बिल और पराली पर आगे बढ़ाया कदम, आप एमएसपी और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट भंडारण वाला मुद्दा छोड़ दीजिए। देखेंगे 4 जनवरी की बातचीत में क्या नतीजे आते हैं। टीवी अखबार पर बिल्कुल मत भरोसा कीजिए, वो सब के सब सरकार की प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। किसानों का जो मेन मुद्दा है, दो मुद्दा, कमोडिटी एक्ट और एमएसपी, उस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। अगली बातचीत 4 जनवरी को होगी। कैमरा पर्सन निधि रतन के साथ शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, विज्ञान भवन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।